सब्सक्राइब कर अपील रहमान यूट्यूब चेनेल और लोगों थका बेल आइकन क्लिक कर ऑल कर दी और भिडिओ तो लाइक कर दी। नमस्कार मैं अपील रहमान स्वागत यूट्यूब चेनेल। सो आज पढ़ीम क्लास सेवेन इंगराजी जी लेसन एट आस वुमेन इन स्पेस यू चेप्टार खूब इम्पर्टेन्ट तुम लोग परीक्षार कारण। सो यू चेप्टार जी एक्टिविटीज प्रश्न दी आस एक्टिविटीज प्रश्न पर क्वेश्चन तुम लोग परीक्षा काटा है। सो पेज नम्बर 98 पेज दी आस तुम लोग एक्टिविटीज। सो एक्टिविटीज आम एक नम्बर पर सको क्वेश्चन एन्सार करम। सो तुम लोग भिडिओ लाइक कर दिबा और चेनेल सबसक्राइब कर दिबा। सो बोला आम भिडिओ आरम्भ करूँ एक्टिविटीज एक नम्बर दी से लेट्स सी हाउ मच वी हेव आंडारस्टुड। एक नम्बर प्रश्न तो दी से हुएर वाज कल्पना चावला बर्न। कल्पना चावलार जन्म कत हुई। सो एन्सार करम जो कल्पना चावला वाज बर्न एट कर्नल इन हरियाणा। हरियाणार कर्नल कल्पना चावलार जन्म। तार पास बी नम्बर प्रश्न जो हुएर डिड कल्पना चावला स्टाडी। कल्पना चावला कत पढ़ा शुना एन्सार करम जो कल्पना चावला स्टाडीड एट टेगोर बाल निकेतन एट कर्नल एंड लेटर एट पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इन चंडीगढ़। कल्पना चावल जी टेगोर बाल निकेतन स्कूल आसे कर्नल ताते पढ़ी और कॉलेज पढ़ी कौन कॉलेज पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। तार पास सी नम्बर प्रश्न जो व्हाट वाज कल्पना चावलास ड्रीम। कल्पना चावलार स्वप्न कि आसिल ड्रीम कि आसिल एन्सार जे फ्लाइंग इन स्पेस वाज कल्पना चावलास ड्रीम। फ्लाइंग स्पेस जी महाकाश आसे महाकाश उड़ार तार स्वप्न आसिल। डी नम्बर जे व्हाई डिड शी गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका। अमेरिका कल्पना चावला क्यों गई एन्सार करम जे शी वेन टू द यूनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका टू पर्स्यू हार ड्रीम अफ फ्लाइंग इन स्पेस। तार जी महाकाश सपन आसे सपन तो पूरा यूनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका गई। इतना इ नम्बर प्रश्न तो दी से व्हाट डज नासा स्टेंड फॉर। नासा फुल फॉर्म तो बुझा से तो गति के एन्सार करम जो नासा स्टेंड फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कलर तो मैं दीसूँ एन फॉर नेशनल ए फॉर एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉटिक्स एस फॉर स्पेस ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। सीकार कलर तो मैं एक ठीक है। तार पास एफ नम्बर प्रश्न जो हाउ मेनी टाइम्स डिड कल्पना चावला गो इन टू स्पेस। एन्सार करम जो कल्पना चावला वेन इन टू स्पेस ऑन टू डिफरेन्ट ओकेशन ड्यूरिंग हार केरियर दुबार गई। जी नम्बर जो हाउ डिड कल्पना चावला डाय। कल्पना चावला के मरी एन्सार करम जो कल्पना चावला डायट वेन द स्पेस सेटल सी वाज इन कॉल्ड कोलम्बिया ब्रोक एपार्ट एज इट वाज कमिंग बैक टू आर्थ इन 2003। तक जुई लगे आहते पृथ्वी घूरी आहते। तार पास दुई नम्बर दी से इन द लेसन यू रीड अबाउट सम इम्पर्टेन्ट डेट्स एंड नम्बर्स सी व्हेदर यू रिमेम्बर व्हाट ईच नम्बर स्टैंड्स फॉर। चमक एनेक दी से 1961 खाली ठाई दी से खाली ठाई लिखीम जो बार्थ इयर अफ कल्पना चावला। कल्पना चावलार 1961 जन्म हुई। तार पास 2003 दिया से लिखीम जो कल्पना चावला जॉइन द कोलम्बिया सेटल्ड फ्लाइट STS-87। तार पास दी से STS-87 दिया से गति के लिखीम जो कल्पना चावला विथ अदर सिक्स एस्ट्रोनॉट्स वेंट इनटू स्पेस ऑन द स्पेस सेटल STS-87। तार पास STS-107 दी आसे गति के लिखीम द स्पेस व्हीकल ब्रोक अप इन फ्लेम एट द हाइट अफ 61,000 मीटर। STS-107 तो कि हम द स्पेस व्हीकल ब्रोक अप इन फ्लेम एट द हाइट अफ 61,000 मीटर। तार पिछत तीन नम्बर प्रश्न तो दी से मेक ए पोस्टर अफ कल्पना चावला फर योर साइंस एग्जिबिशन इन द बक्स बिलो इनक्लूड हार चाइल्डहुड इनफर्मेशन एंड हार वर्क डिटेल्स इन योर पोस्टर। आम कितब पेज नम्बर 98 दी दी से खाली ठाई तक लिख लगे
এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে নোটবুকত এনেদৰে ফটো এটা প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব কম্পিউটাৰৰ দোকানৰ পৰা, তাৰপিছত তাৰ তলত এনেদৰে লিখিবা যে কল্পনা চাওলা ৱাজ বৰ্ণ ইন 1961 এট কাৰ্ণাল ইন হাৰিয়ানা, চি ডিড হাৰ প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন ইন টেগৰ বাল নিকেতন এট কাৰ্ণাল, দেন চি ষ্টাডিড এট পাঞ্জাৱ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ ইন চণ্ডীগড়, ফ্লাইং ইন স্পেচ ৱাজ হাৰ ড্ৰীম, ইন 1997 নাছা ছিলেক্টেড হাৰ এজ এজ এন এষ্ট্ৰনট এণ্ড চি বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱুমেন অফ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন টু গ' টু স্পেচ। তাৰপিছত লিখিম যে ট্ৰাজিকেলি ডুৰিং হাৰ ছেকেণ্ড স্পেচ মিছন ইন 2003 দ্য স্পেচ ছেটেলড কলম্বিয়া মিট উইথ এ ট্ৰেজিক এক্সিডেণ্ট ডুৰিং ৰি এণ্ট্ৰি ৰিজাল্টিং ইন দ্য লছ অফ কল্পনা এণ্ড হাৰ ফেল' ক্ৰিউ মেম্বাৰ্ছ। এতিয়া চারি নম্বরবিলাক দিছে যে লেটস লার্ন সাম গ্রামার, গ্রামারের বিষয়ে ইয়াত দিছে। সো এইখানে তোমালোকে পড়িবা ডাইরেক্ট স্পিচ আর ইনডাইরেক্ট স্পিচ কি হয়। সো ইয়াত আমাক একটা কোশ্চেন দিছে যে হেয়ার ইজ এ সেন্টেন্স ইন ডাইরেক্ট স্পিচ, অর্থাৎ এইটো একটা সেন্টেন্স দিছে ডাইরেক্ট স্পিচত, ইনডাইরেক্ট স্পিচত দিছে, সরি ইনডাইরেক্ট স্পিচত দিয়া আছে। রাইট দ্য সেন্টেন্স ইন ডাইরেক্ট স্পিচ ইন দ্য স্পেস বিলো, রিমেম্বার টু ইউজ ইনভার্টেড কমাস, ইনভার্টেড কমা দিব কৈছে। সো এইটো আমাক ইনডাইরেক্ট স্পিচত দিছে, যেনেকুৱা মায়ুৰী সেইড দেট শি হেড রিড এবাউট ইট অন দ্য ইন্টারনেট। সো গতিকে এইটো আমি ডাইরেক্ট স্পিচত এনেকৈ লিখিম যে মায়ুৰী সেইড কমা ইনভার্টেড কমা দিব কৈছে যে রিমেম্বার টু ইউজ ইনভার্টেড কমাস, গতিকে ইনভার্টেড কমা দিছো, ডাবল ডাবল কমা দিছো। তিনি লিখিছো যে আই হ্যাভ রিড এবাউট ইট অন দ্য ইন্টারনেট, দুটা কমা ওপৰত ইনভার্টেড আৰু ডট ফুল স্টপ। সো এইটো যদি বুজা পোৱা নাই লেখাটো, মই স্ক্রিনত আৰু ধুনীয়াকৈ লিখি দিছো মায়ুরি সেইড দ্যাট আই হ্যাভ রিড অ্যাবাউট ইট অন দ্য ইন্টারনেট, লিখি দিছো স্ক্রিনত উঠিছে, এটা তোমালোকে চাই লওয়া। ইয়াত যেখানে লিখিছো তোমালোকে যদি স্পষ্টকে বুঝি পোৱা নাই, মই তাতে টাইপ করে লিখি দিছো স্ক্রিনত উঠিছে, সেইটো তোমালোকে লিখি লবা এইখানে খালি ঠাইত, ঠিক আছে। এইটো হয়ে যাব ডাইরেক্ট স্পিচ। তারপরে আমাক কৈছে যে বি নম্বরটো দিছে যে ইন কলম এ বিলো আর টু সেন্টেন্সেস ইন ডাইরেক্ট স্পিচ, ইন কলম বি থ্রি আর সরি দেয়ার আর দ্য ম্যাচিং সেন্টেন্সেস ইন ডাইরেক্ট স্পিচ। আমাক ইয়াত দিছে ডাইরেক্ট স্পিচত দিয়ে আছে আর ইয়াত দিছে ইনডাইরেক্ট স্পিচত দিছে, আর দিস সেন্টেন্সেস ইন কলম বি আর কারেক্ট, গতি কলম বি যেটা ইনডাইরেক্ট স্পিচত দিছে এইবিলাক কারেক্ট নাকি, যদি শুদ্ধ হয় ঠিকই আছে, আর যদি শুদ্ধ নহয় ইফ নট রিরাইট দেম কারেক্টলি ইন কলম সি, গতি এইবিলাক যদি শুদ্ধ নহয় তাহলে শুদ্ধকৈ কলম সিত লিখিব লাগে, গতি বি যে লিখা আছে এটা শুদ্ধ নহয়, কিয়নো ইয়াত আছে ময়ূরী সেড টু মানস ডু ইউ নো হোয়াট নাসা ইজ, ইয়াত লিখিছে ময়ূরী সেড টু মানস দেট ডাজ হি নো হোয়াট নাসা ইজ, গতি সেড নহব আক্সড হব, যেনেকৈ কলম সিত হব ময়ূরী আক্সড মানস দেট ইফ হি নিউ হোয়াট নাসা ইজ ওয়াজ, গতি এইখানে যদি লিখা বুঝা পোৱা নাই কলম সিত, কলম সিত তোমালোকে এইটো লিখিবা ময়ূরী আক্সড মানস দেট ইফ হি নিউ হোয়াট নাসা ওয়াজ, ঠিক আছে। এইখানে লিখিবা, এই দুটা লাইন লিখিবা এই কলম সিট, ইয়াত এইটো হয়ে যাব শুদ্ধকে, এইটো হয়ে যাব ভুল, ঠিক আছে। তারপর এইটো যদি কৈছে যে মানস সেট আওয়ার কান্ট্রি উইল অলওয়েজ রিমেম্বার হার, গতি এই কলম বিদ দিয়ে আছে ইনডাইরেক্ট স্পিচ দিয়ে থাকি যে মানস সেট দ্যাট আওয়ার কান্ট্রি উড অলওয়েজ রিমেম্বার হার, গতি এইটো এতিয়াও চোৱা তোমালোকে যি ইনভার্টেড কমা আছে, ইনভার্টেড কমা আছে, গতিকে এইটো উঠাই দিয়া নাই, সো গতিকে কলম সিট আমি এনেদৰে লিখিম, ইয়াত তোমালোকে লিখিবা যে মানস সেড দ্যাট দিয়ার কান্ট্রি উড অলওয়েজ রিমেম্বার হার, ঠিক আছে। মানস সেড দ্যাট দিয়ার কান্ট্রি উড অলওয়েজ রিমেম্বার হার, এইটো হয়ে যাব কলম সিট, এই দুটা লাইন লিখিবা, ইয়ারপরা ইয়ালৈ ইয়াত লিখিবা, এইটো ভুল হয়ে যাব, ঠিক আছে, নট কারেক্ট, এই দুটা নট কারেক্ট, এইটো হয়ে যাব কারেক্ট আর এইটো কারেক্ট, এইটো লিখবা মানস সেড দ্যাট দিয়ার কান্ট্রি উড অলওয়েজ রিমেম্বার হার, এইটো লিখিবা এইটুত, ঠিক আছে। তারপর পেজ নম্বর 100 সাম, পেজ নম্বর 100-র উপর দিয়ে আছে যে নাও ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুইটেবল ফর্মস অফ ভার্বস, সুইটেবল ফর্মস অফ ভার্বত দিয়া আছে 1, 2, 3 আছে, গতিকে এই আমি উত্তর করবো। এটা এক নম্বরটো দিছে যে মায়ুরী ড্যাশ মানস অন হার ওয়ে টু স্কুল, সো গতিকে ইয়াত দিছে এস ফ্রম দ্য মিট, গতিকে অ্যান্সারটো করি এনেদরে যে মায়ুরী মিটস মানস অন হার ওয়ে টু স্কুল, গতি খালি ঠাই থাকি যাব মিটস, এম ডাব্লিউ টি এস মিটস।
तार पिछे दुई नम्बर टू जे आई एम शिवर सी डेस फ्लाइंग इन स्पेस गति के पास्ट फर्म अफ लाभ लाभ पास्ट फर्म कि हो जाए लाफ्ट हो जाए गति के आई एम शिवर सी लाफ्ट फ्लाइंग इन स्पेस गति खाली हो जाए लाफ्ट तार पिछे तीन नम्बर जे इट हेज डेस टू द स्काई गति के पास्ट पार्टिसिपल अफ फ्लाई पार्टिसिपल कि फ्लाइट है गति के आंसर तो करिम इट हेज फ्लाइट टू द स्काई गति के फ्लाइट हो जाए खाली ठेंगत तार पिछे चार नम्बर The dash to space was Kalpana's dream and ing from fly. Flight ing দিব কইছে গতিকে আনসার খালি ঠাইতে লিখিম flying. আনসার কোন যে flying to space was Kalpana's dream. গতিকে flying হই যাব খালি ঠাইতে. এতে 5 নম্বরটো কইছে যে let's revise verb form গতিকে রিভাইজ করিব কইছে যেন কো বেস ফর্মটো হইছে look look at the moon. যেন কো looks টো থাকিলে he looks at the moon he থাকিলে s হয় verb লগত. এনে কথা পড়িব লাগে রেডি. इतना छः नम्बर तो कैसे जे हेयर आर साम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट फेमास एस्ट्रोनट्स हू वेयर वोमेन तीन फेमास एस्ट्रोनट जी वोमेन आने पोस्टार बन से फटो दी से और तार विषय लिखिसे कौन से सेली राइट वाज द फर्स्ट अमेरिकन वोमेन टू गो इन टू स्पेस इतना कैसे नाउ कलेक्ट ए पिक्चर अफ एन एस्ट्रोनट एंड पेस्ट इन योर नोटबुक राइट ए फ्यू सेन्टेन्सेस अबाउट हिम और हार जास्ट बिलो द पिक्चर जिको एजन एस्ट्रोनटर फटो लब कैसे लय तुम लोग नोटबुक पेस्ट कर पेस्ट कर तार विषय लिख कैसे लरा हम पे छाली हम पे हिम और हार दी जिको एजन लिख पे सो गति के एन्सार एने लिखा छर उत्तर तो तुम लोग एने लिखा छः नम्बर तो उत्तर दी तलत राकेश शर्मार फटो दी तलत लिखा राकेश शर्मा वाज द फार्ष्ट इंडियन एस्ट्रोनट हि फ्लिव टू द स्पेस इन 3rd April 1984 थ्रो इंडो रशियन स्पेस ट्रेवल सर उत्तर टू करिलो आमी इतिया नेक्स्ट दिसे 7 नंबर दिसे सो 7 नंबर की दिसे जे लेट्स प्रैक्टिस स्पीकिंग इन इंग्लिश यूजिंग द फेरेस हैव यू हर्ड आस्क योर पार्टनर ए फ्यू क्वेश्चंस अबाउट स्पेस वन इज डन फॉर यू यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टेक्स्ट टेक्स्टर पर हेल्प लो पारी सो गति के अनुरोध दिसे Have you heard that Aryabhatta was India's first satellite? Otika, if I say no, I haven't. Moi huna nai. Tar pichot dise, have you heard that Kalpana won? Dash 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 dise. So otika, etu answer na dore likhim ami. Ji ya this is a have you heard that Kalpana won? Tar pichot likhim je was the first dedicated meteorological satellite launched by ISRO. Prashno bodh. Thik ache? तार पिछत जी आसे जे येस आई हेव माने शुनी से तार पिछत जी आसे हेवर पिछत डेस डेस दिसे ताते लिखिबा जे हेव यू हियर्ड दैट कल्पना चावला वाज द फर्स्ट वोमेन एस्ट्रोनट अफ इंडिया गति अकमान डांगर कोई दू तुम लोग देखा सुविधा हम तार पिछत एफाले दिबा येस आई हेव तार पिछत जी खाली घर दिसे तात लिखिबा तार पिछत खाली घर तो मैं देखार कारण सरु कोई दी दिसे तुम लोग गम पाई जाबा यात ইয়াত লিখিবা যে হেভ ইউ হেয়ার্ড দ্যাট দে আর ওয়ার সাম আদার ওমেন এস্ট্রোনটস বিফোর কল্পনা চাওলা কল্পনা চাওলার আগত বেলেগ ওমেন ওমেন এস্ট্রোনট আসলে মহিলা এস্ট্রোনট গতি ডাঙর কই দিছো এতিয়া দেখা পাইছা গতি ইয়ার প্রতি উত্তর অ্যান্সারটো এনেদরে হবো যে ইয়েস আই হ্যাভ রিড অ্যাবাউট দ্য ওমেন এস্ট্রোনট গতি মই ওমেন এস্ট্রোনটর বিষয়ে পড়িছো গতি এইটো হবো ইয়ার ইয়াত ঠিক আছে এনেকই অ্যান্সারখিনি আমি করিম বুঝি পাইছা इतना आठ नम्बर प्रश्न दी द बक्स बिलो हेज सार्टेन वार्डस यूज टू आस्क क्वेश्चन फाइंड एंड राइट देम इन द स्पेस गिभेन गति के खाली ठाई दी आम लिख लगे और इक दगे दी लगे गति के प्रथम से वेर डब्ल्यू ए सी आर वेर क्वेश्चन मार्क यू आस्क क्वेश्चन कैसे गति के डब्ल्यू ए सी आर वेर कत आस डब्ल्यू ए सी आर गति के मैं दग दीस वेर तक लिखे हाउ ए सो डब्ल्यू हाउ কেনেক গতি এইচ ও ডাব্লু হাও গতি এইটো মই এনেকৈ এনেকৈ দাগ দি দিছোঁ তাৰ পিছত হু ডব্লু এইচ ও গতি ডব্লু এইচ ও গতি এইটো মই সেউজীয়া কালাৰ দি মই দাগ দি দিছোঁ তাৰ পিছত হোৱাই ডব্লু এইচ ৱাই ডব্লু এইচ ৱাই কত আছে ইয়াত আছে ডব্লু এইচ ৱাই এইফালে মই দাগ দি দিছোঁ তাৰ পিছত হোৱাট ডব্লু এইচ এ টি হোৱাট হোৱাট কত আছে ডব্লু এইচ এ টি গতি এইখিনি মই দাগ দি দিছোঁ হোৱাট তাৰপিছত আছে হুৱেন ডব্লিউ এছ ই এন হুৱেন কত আছে ডব্লিউ এছ ই এন
डब्ल्यू एस इ एन हुएन गई हो जा छटा आसे ठीक है। तार आम दी से नय नम्बर जो फान उथ वार्डस वार्डर धेमाली कैसे खेल धेमाली जो डु यू नो देट डु यू नो व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट दिस वार्ड गई वार्ड इंटरेस्टिंग की इंटरेस्टिंग आम पढ़ीम जो इफ यू रिमूव द फर्स्ट लेटर फ्रम इच अब द गिवेन वार्ड यू विल फाइंड ए न्यू वार्ड राइट द न्यू वार्ड इन द स्पेसक्राफ्ट अंडार इच वार्ड गई वार्ड बिल्कुल प्रथम वार्ड तो गुसाई दिले आम बेलेग एट वार्ड पाम कैसे प्रथम जी अखर आए अखर तो आम गुसा दूँ तेहले बेलेग एट वार्ड पाँव कैसे फ्लाइट आए फ्लाइट प्रथम अखर एफ एफ तो हटा दिले कि लाइट पाँच लाइट मैं पोहर सेंड आए सेंड आम प्रथम अखर एस तो ऊल दिले रिमूव कर दिले एंड पाँच इ एन डी एंड एंड इतना लिखी तक स्पेस आए स्पेस एस तो नोह कर दिले प्रथम तो रिमूव कर फर्स्ट लेटर फ्रम इच रिमूव द फर्स्ट लेटर फ्रम इच गए प्रथम लेटर आम रिमूव कर दिल कि पाल पेज क्राफ्ट आसे सी आम रिमूव कर दिल राफ्ट नो आसे नो आम के टू रिमूव कर दिल नाव पाल देर आसे टी टू रिमूव कर दिल फर्स्ट लेटर रिमूव कर दिल कि पाल हेयर हेयर ठीक है। इतना आम कैसे नाउ थिंक अब थ्री मोर वार्डस लाइक द एभव एंड राइट देम हेयर गए ऊपर दौरे और तीन वार्ड भावले कैसे और तार प्रथम आखर तो रिमूव कर सलन नोहवा कर कि आए ये आम ऊल्ले कैसे सो प्रथम मैं दीसूँ लार्ण्ड एल इ आर एन इ डि लार्ण्ड लार्ण मानने शिक्षा गति के एल तो नोहवा कर दीसूँ कि आर्ण्ड इ आर एन इ डि आर्ण मानने इनकाम कर ट्रेन्ड ट्रेन्ड दी आस टी आर ए आई एन इ डि ट्रेन्ड आस गए टी तो नोहवा कर दिल कि हम रेन्ड आर ए आई एन इ डि रेन्ड तार प्लीज पी एल इ एस प्लीज गए पी तो नोहवा कर दीम प्रथम लेटर तो नोहवा कर दीम रिमूव कर लीज एल इ एस लीज ठीक है लीज इत लिखी इतना पेज नम्बर एश तीन दिया दस नम्बर जे सी हाउ मेनी न्यू वार्डस यू कैन फॉर्म विथ द लेटर्स यूज इन द वार्ड बिकज बिलो वन इज डान फर यू बिकज दी कि वार्ड आम बनाब पे ये आम कैसे कर दिया बिकज दि बी आको बिकजर पर आम क्यूब पाँ सी यू बी क्यूब यूज पाँ यू एस इ यू आसे एसओ आसे इ आसे सी पाँ सागर पाँ एस इ एस इ ए कैप पाँ सी ए कैप पाँ सी ए कैप आसे बास आसे बी आसे यू आसे एस आसे बास कस आसे बी टू नोहा करिले सी ए यू एस इ कस क्यूज आसे सी यू इ एस सी यू ई एस किूज तेस आस एस एस इ बेस ये वार्ड आम बनाब पार इतना एघार नम्बर तो दी से एघार नम्बर जो मानस वन टू वि एन एस्ट्रोनट व्वेन हि ग्रोस आप मयूरी वान्स टू वि ए सैंटिस्ट गति एनेरण कथा कैसे जे मानस व्हाट डु यू वान्ट टू वि व्वेन यू ग्रो आप गए मानस कैसे आई वान्ट टू वि एन एस्ट्रोनट व्वेन आई ग्रो आप एंड आई उल गो टू स्पेस और मानसे की कैसे ओ इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग बट आई वांट टू बी ए साइंटिस्ट एंड सर्व माय कंट्री मैं साइंटिस्ट हम खोजो और मोर देशों कारण मैं सार्विस दी खोजो सार्व कर खोजो इतना आम कैसे जे सीट इन पेयर्स एंड टेल इच अदर व्हाट यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप एंड व्हाई इतना तुम लोग कब कैसे तुम लोग डांगर हमें कि करा सो गए तुम लोग लिख पड़ा जे आई वांट टू बी ए टीचर बिकज आई लाभ टीचिंग मैं शिक्षक हम खोजो कारण मैं पढ़ा भल पाँ मैं शिक्षयित्री हम खोजो कारण मैं पढ़ा भल पाँ दा यू एघार नम्बर तो परीक्षार कारण नए तुम लोग इंगराजी शिक्षार कारण दिया जिये ना तुम लोग इफाले बार नम्बर प्रोजेक्ट वर्क दी तुम लोग टीचारे तुम लोग जी इंगराजी आ सनबीम सनबीम इंग्लिश रीडर टू यू सकसेसफुली आम शेष हल आम इतना तुम लोग क्लास एट गए मोर भिडि चाहिए पबा ठीक है। सो क्लास एट गए सकोखिन चेप्टार सकोख सबजेक्ट फ्रीते पा जा सो चेनेल सबसक्राइब कर रखा जाते क्लास एट गए सबे फ्रीते चाह सो इतिम्य क्लास सेवेनर मैं सबकटा सबजेक्टे मैं
ধুনিয়াকে সলিউশন করে দিছো, তোমালকে যথেষ্টখিনি উপকৃত হৈছা। আর ভবিষ্যতে অর্থাৎ ক্লাস এইটত গৈও তোমালকে মোর ভিডিও সাবলে পাবা। সো চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে রাখবা আর ভিডিওটো লাইক করে দিবা, ঠিক আছে? আর কিবা যদি নুবুজা থাকে চ্যাপ্টারটো তোমালকে মোক কমেন্ট করে জানাই থৈ দিবা। সো এইখিনি, বাই বাই, টেক কেয়ার।